जय हिंद दोस्तों, केके फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे देश के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि सबसे सफल जो है उद्योगपति आपको अंबानी होंगे, नहीं, आज उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आज सबसे सम्मानित के बारे में कहा जाए उद्योगपति के, तो आज रतन टाटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो एक बहुत ही बिजनेसमैन तो था ही लेकिन सम्मानित भी थे। अच्छी पढ़ाई करके नौकरी ले लेना या पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसा तो कोई क्राइम करके भी कमा सकते हैं। लेकिन जो रतन जी है, इन्होंने अपने पैसे की कमाई की है, इन्होंने बहुत से इसको दानवीर भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने पैसा कमाया लेकिन अपने जो 60% होते थे यह दान दे देते थे। तो इसके बारे में इसका फिलहाल में 9 अक्टूबर को निधन हो गए हैं, तो पूरा देश भर रोया है और भारत ने भी एक रत्न टाटा के रूप में खो दिए हैं। अगर ये रहते तो इन्होंने बहुत को दान दिया है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इसके एक एक करके जानेंगे इसके बारे में, कब क्या खरीदा है, टाटा का शुरुआत कब हुआ है, घर घर में टाटा है, सब में आप नमक दाल चाय सब में टाटा है। तो चलिए हम लोग इसके जीवनी के बारे में एक एक करके जानेंगे। इसकी जो एक प्रेम कहानी भी थी, कोई कहते हैं कि यह शादी नहीं किए थे लेकिन इसके साथ जब यह लॉस एंजिल में काम कर रहे थे तो एक लड़की से भी प्रेम हो गया था, तो हम उस तथ्य को भी लेके चलेंगे और वीडियो में एक एक करके चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसके पूरे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि देखिए इन्होंने जो रतन टाटा है 28 दिसंबर 1937 को जन्म लिए थे और 9 अक्टूबर 2024 को बुधवार के दिन इसका निधन हो गया है। इसका निधन हो गया बुधवार के रात्रि 11 बजे शाम को, इवनिंग के टाइम इसका निधन हो गया था। इसको पता चला कि 7 अक्टूबर को इसका क्या ज्यादा ब्लड प्रेशर हुआ और उम्र संबंधी बीमारी के चलते इसको कहां पर एडमिशन कराया गया था, मुंबई में कराया गया था। कौन? आपका ब्रिज कैंडी अस्पताल में इसको क्या कहते हैं एडमिशन कराया गया। पहले इसको क्या किए, कुछ अच्छे होने की उम्मीद बताई, लेकिन जब आपका 10 तारीख 11 तारीख हो गया, रात को 11 बजे यह निधन हो गए, स्वर्गवास हो गए, और हम लोग भारत ने एक अमूल्य जो रत्न है टाटा रतन के रूप में हम भारत ने खो दिए। तो चलिए इसके जो आत्मा को शांति मिले और सभी क्या करें, इसकी तरफ तो नहीं बन सकते लेकिन दानवीर बनने के लिए हम लोग आगे आए, यही सबसे बड़ी शिक्षा की भी है और आपका सम्मानीय व्यक्ति का भी एक उच्च स्तर का जो है सम्मान है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने क्या किया, भारतीय उद्योगपति थे और टाटा समूह और टाटा संस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, और इसके जीवनी के बारे में हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, जो उन्होंने 91 से 2000 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी रहे थे और सबसे बड़ी जो व्यापारिक इकाई थी। उसके अतिरिक्त इन्होंने अक्टूबर 16 में भी 16 से लेकर 17 तक ये उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। और इसके जो जीवनी के बारे में कहा जाए तो देखिए जो टाटा है इसकी तो जीवनी कहा जाए तो इसके पूर्वजों ने लगभग 18 ईस्वी से लेके जो इसके पूर्वज थे जमशेद जी टाटा, इन्होंने ही ये बिजनेस को शुरू किए थे और आज तक क्या
अब रतन टाटा तक आ गए हैं, तो हम लोग जमशेद जी के बारे में नहीं, इसके पूर्वज थे, इन्होंने इस जो टाटा ग्रुप से इसको कितने संघर्षों के बाद यहाँ तक लाए हैं, जो विश्व में आपको जो एयरलाइंस है एयरलाइंस भी खरीद लिया है, TCS जो एग्जाम देता है एग्जाम लेती है भारत में, TCS के द्वारा सभी एग्जाम होते हैं इन्होंने खरीद लिया है, तो कैसे कैसे खरीदा है इसकी तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, उसके जो पूर्वजों के बारे में हम डायरेक्ट इसके टाटा के परिचय के बारे में आएंगे, टाटा के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए जो है रतन टाटा का जो जीवन परिचय है, रतन टाटा का जन्म कितना 28 दिसंबर 1937 को कहां, नवल टाटा और सुनी टाटा, नवल टाटा और सुनी टाटा ये क्या थे, उसके पिताजी थे, नवल टाटा इसके पिताजी थे, ये माताजी थे, दोनों के रूप में इसका जन्म हुआ। किसका, रतन का। उसका जो एक भाई था, उसका भाई जिमी था, उसका अपना भाई जिमी था, और जो सौतेला भाई था वो क्या था, नोएल था, मतलब इसका एक सौतेली माँ भी थी, मतलब इसके जो नवल टाटा ने दो को शादी करके रखी थी, तो एक इसका अपना तो भाई था, एक रतन थे और एक जिमी थे, दोनों देखने में बिल्कुल एक थे, क्या रतन और जिमी, लेकिन एक उसका नोएल सौतेला भाई भी था, इसके बारे में भी जानेंगे। जब रतन 10 साल के थे तब उसके माता पिता अलग हो गए, मतलब इस लोग का डिवोर्स हो गया था, अलग हो गए थे, इसके माता पिता से अलग हो गए थे, लेकिन उसकी जो दादी रहती है, दो भाइयों का जो लालन पालन, उसकी दादी जो है नवाज भाई टाटा ने इन लोगों किया, इन लोगों को पढ़ाया भी, विदेश में भी पढ़ाया, विदेश में नौकरी किए पाए, फिर भारत आए और अपने कंपनी में काम करने लगे। चलिए देखेंगे कैसे ये काम किए। देखिए ये आपका जमशेद जी से लेके इसका जो पूर्वज थे हमको जानना नहीं है। देखिए इसके दादी जो है आपका, इसके दादी कौन थी, इसके दादी थी क्या, नवाज भाई। इसके दादी कौन थे, नवाज भाई। इन्होंने इसका क्या किए, लालन पालन किए। देखिए सुनी टाटा और नवल टाटा दोनों ने शादी किए, इन दोनों से दो को लड़का हुए, एक जिमी लड़का हुए, एक रतन जी हुआ जो अभी अमूल्य रतन है, और इसके जो भाई थे जो सिमोन, इसकी दूसरी वाइफ थी, नवल टाटा की पत्नी दूसरी थी, तो इसके साथ भी क्या किए इन्होंने, शादी किए, और इसका भी बच्चा हुआ क्या, नोएल टाटा हुआ। नोएल टाटा किसे शादी किया, अनु मिस्त्री से किया, अनु मिस्त्री का भी आपका तीन गो होता है, एक माया टाटा के रूप में होते हैं, तो इस तरह से इसका पूरा परिवार यहीं पर है। तो हम लोग रतन टाटा के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्या आता है, उसका प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, कहां से शिक्षा प्राप्त की, इसके बारे में भी आपको पूरी तरह जानकारी प्राप्त करना है। देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो की, ये मुंबई के जो है कैंपियन स्कूल में किए, कैंपियन स्कूल में ये 8वीं तक ही पढ़े, कितना तक, 8वीं तक की, 8वीं पास हो गए, जॉन कॉमन्स में गए, फिर उन्होंने शिमला भी गए, फिर उन्होंने विदेश भी गए। देखिए इसके जो पिताजी थे नवल, ये चाहते थे कि मेरा बेटा जो इंजीनियर बने, लेकिन इसको इंजीनियर में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, वो इतना रुचिकर नहीं थे कौन टाटा कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन अपने जो दादी है, दादी के मान से वो चल गए का अमेरिका, चल गए लॉस एंजिल्स, वहां पर पढ़ाई किए और आपका आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की, वहीं पर कहां पर, कर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में उन्होंने क्या, कर्नेल जो यूनिवर्सिटी है वहीं से आपका क्या किए, आपका ये आर्की जो आर्किटेक्चर है ये डिग्री हासिल किए, वहां पर उन्होंने नौकरी भी किए, और कहा जाता है कि वहां लॉस एंजल में नौकरी करते हुए एक यहाँ का उससे एक लड़की से प्रेम हो जाता है, लेकिन उसे प्यार जो है अधूरा रह जाता है, दोनों ने कस्में खाती है, जीने मरने की कस्में खाती है, एक साथ रहने की कस्में खाती है, और विवाह करने की कस्में खाती है, लेकिन जब उसको बोला कि चलिए आप भारत आपको ले जाएंगे और भारत में ही शादी करेंगे, तो लड़की के पापा क्या बोलते हैं कि आप वहां मत जाइए, भारत में नहीं जाइए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है उस टाइम पर 1962 का बात है, इस टाइम भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, भारत का युद्ध चल रहा था, तो बोल रहा है नहीं आप वहां नहीं जाइए, क्या हो जाएगा, हो सकता है कि आपको कुछ वहां पर आप मतलब दिक्कत हो सकता है, आप मर भी सकते हैं ना। और दूसरा कारण क्या था, एक कारण ये था, दूसरा कारण उसका दादी का तबीयत खराब हो गई थी, दादी का जो थे नवाब नजाब भाई टाटा थी, उसकी दादी का तबीयत भी खराब हो चुकी थी,
तबीयत भी खराब हो चुकी थी, इन दोनों के चलते वो टाटा ने क्या किए, उसको आना ही पड़ा, एकदम जबरदस्त यहाँ आना पड़ा, लेकिन वो लड़की को नहीं ला पाई और इसका प्यार जो है इस तरह अधूरा रह गया ना। लेकिन अधूरा रहा ठीक है, अधूरा ही अच्छा है। अगर टाटा ने अगर शादी कर लेते तो कुछ अभी अलग ही होता है। आगे देखिए, जब इसका निधन हो गया तो पूरा देश भर रो रहा है, सभी की आंखें नम है। इसी के चलते अगर शादी कर लेता तो कुछ दूसरा ही हो सकता है, उसका परिणाम निकलता। लेकिन जो भी होता है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। उन्होंने देखिए हार्डवेयर बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाई की है। नेक्स्ट देखिए आपका उसका करियर, 1962 में टाटा स्टील ने 100 फ्लोर का संचालन के जो प्रबंधक के रूप में काम किए। 71 में उन्होंने नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नेल्को में भी उन्होंने काम किए, उसके क्या करे प्रभारी निर्देशक के रूप में काम किए। 81 में टाटा ग्रुप्स, देखिए आप आ गए टाटा में, 81 में किए गए टाटा ग्रुप्स और टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किए। 12 में टाटा सन्स के अध्यक्ष भी रहे, टाटा ग्रुप्स के भी रहे और टाटा सन्स के भी रहे। नेक्स्ट देखिए इसकी जो क्या किए उन्होंने, देखिए सम्मानित, देखिए जो व्यक्ति आपका क्या होता है दानवीर होते हैं, जो व्यक्ति सम्मानित होते हैं उसको सरकार भी हो चाहे कोई भी आदमी हो उसके दिल से क्या निकलते हैं सम्मान, व्यक्ति सम्मान देते हैं। देखिए इसके कितने प्राइज है, एकदम छड़ी लगा दिए, कुछ जड़ी जैसा लगा दिए हैं, इतना इसको क्या मिला है सब सम्मान मिला है। देखिए 23 में ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये देश में नहीं विदेश के दिल को भी इन्होंने जीत लिया था। देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पुरस्कार भी इसको मिल गया है, इसको देखिए महाराष्ट्र के उद्योग रत्न का पुरस्कार मिला है, असम में भी वैभव पुरस्कार मिला है, 2016 में प्रेसिडेंसी मेडल ऑफ द फ्रीडम मिला है, 2009 में लेजियन ऑफ द ऑनर भी मिला है, 8 में पद्म भूषण से, 8 में पद्म भूषण से भी इसको सम्मानित किया गया है। फिर 8 में टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, देखिए पर्सन ऑफ द ईयर इसके रूप में भी इन्होंने 2008 में इसको मिल चुका है, 2006 में महाराष्ट्र के विभूषण पुरस्कार भी मिले हैं। यानी कि जो व्यक्ति सम्मान के लायक होते हैं उसको, मतलब आप नहीं बोलते एक आप सम्मान दीजिए तो और सम्मान लीजिए भी, आप किसी दूसरा को सम्मान दीजिएगा तो आपको भी सम्मान देखोगे। आप विदेश में भी देखिए, आप जो जर्मनी में है, जर्मनी में भी इसको पुरस्कार मिले हैं। देखिए जर्मनी में देखिए आपको मैम जो है हम लोग का क्या रतन टाटा को क्या दे रहे हैं पुरस्कार दे रही है। इस तरह इन्होंने देश के दिलों को नहीं विदेश के दिल को भी जीत लिए हैं। आप देखिए इस क्या है दानवीर रतन टाटा, देखिए कितना दानवीर दिए हैं ना, इस स्टाफ में दान दिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे कोई भी स्कूल के क्षेत्र में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से, तो ये भरपूर दान दिया है, भरपूर दिया। देखिए भारत के स्थानक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नेल विश्वविद्यालय में 28 बिलियन डॉलर्स का दिए हैं, ऐसे नहीं 28 मिलियन डॉलर्स का दान दे दिए हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं। 18 में टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए 50 मिलियन डॉलर का दान दे दिया। बहुत अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक खर्चों में भी इन्होंने दान देते हैं, कोरोना काल में भी दान दिया, सब में दान दे देते हैं। इसका नहीं बोलते 60% ही दानवीर था, अपने आय का 60% दान कौन देता है भाई, इतना दान कौन देता है अपना, हम लोग तो कुछ चंद रुपया भी नहीं दे सकते, 60% दे देते हैं ना। अगर ऐसे सब कोई अगर भारत के रतन बन जाते तो भारत के इतने बेरोजगारी भी इतने नहीं होते और हंगर इंडेक्स है इंडिया का वो अभी कुछ क्या हो जाते ऊपर उठ जाते, मतलब उसके रैंक कम हो जाती, भुखमरी मिट जाती। लेकिन कोई दानवीर नहीं देने वाला है, यहाँ लेने वाले ज्यादा है, देने वाले कम है। आप देखिए टाटा ने कब और किसको खरीदा है, देखिए इसने क्या क्या खरीदा है। 2000 में इन्होंने क्या ब्रिटिश चाय ब्रांड को खरीद लिया है, क्या जो क्या है टेटली था चाय ब्रांड के लिए टाटा चाय आता है, टाटा को खरीद लिया, कितना में आपका 45 करोड़ में खरीद लिया है। 2004 में नेट स्टील को भी खरीद लिया है, कितना 48.6 करोड़ में खरीद लिया है। अब देखिए 2000 आपका 4 में क्या ड्यूबो को 10.2 करोड़ डॉलर में खरीद लिया है, 2006 में भी खरीद लिया। देखिए इन्होंने क्या सब खरीदे गया है ना, सब खरीदे रहा है। आप देखिए नेक्स्ट घर घर में टाटा है, देखिए घर घर में टाटा देखिएगा, आप देखिएगा टाटा एसी देखिएगा,
टाटा गहने के टाटा है, टाटा कपड़े हैं, टाटा के घर है, टाटा फाइनेंस है, टाटा घड़ी है, देखिएगा टाटा घड़ी भी आता है, टाटा का चाय तो हम लोग पीते ही है, टाटा के क्या होटल है, टाटा नमक तो हम लोग क्या खाते ही है, आटा भी टाटा है, टाटा आटा भी है, दाल भी है, मसाले भी है, ये जो है विदेश मतलब और चीजें बसें भी है, कारें भी है, सब टाटा की बनी हुई है, घर घर में टाटा अब हो गई है। देखिए टाटा ने कब कितने में खरीदा, देखिए अभी जगुआर को भी, देखिए जगुआर को भी खरीद लिया है, लैंड रोवर को भी कितना में 230 करोड़ में खरीद लिया है, बीएसएनएल 4GB को ही इन्होंने खरीद लिया है, जब भारत सरकार घाटा पे चल रही थी तो इन्होंने इसको भी खरीद लिया है। बीएसएनएल के इसको और आगे बढ़ा सकते थे लेकिन भारत सरकार नहीं करा पा रहे थे तो ये खरीद लिया है, कितना में देखिए 26,821 करोड़ में इसको 4G को बीएसएनएल को खरीद लिया है, कब 2023 में। 22 में एयर इंडिया को भी खरीद लिया है, कितना में 18,000 करोड़ में खरीद लिया है, एयर इंडिया को भी इन्होंने खरीद लिया, देखिए एयर इंडिया को भी इन्होंने क्या खरीद लिया है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, आप देखिए इसमें 2000 में ब्रिटिश चाय ब्रांड ये तो आपका बताई थी कितना में, हाँ ये सब खरीद लिया है। नेक्स्ट आपका वीडियो आता है देखिए कि क्या क्या खरीदे, टीसीएस को देखिए, ये टीसीएस को भी कंपनी को टाटा की कंपनी, देखिए टीसीएस भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है जो एग्जाम लेती है, ये क्या लेती है भारत में एग्जाम लेती है, देखिएगा एग्जाम लेती है, इसको भी खरीद लिया, एग्जाम लेने वाला कोई खरीद लेती है, खरीद लिया, खरीद लेती है, कितना में 15.39 लाख करोड़ में खरीद लिया है। टाइटन को भी देखिए इतना लाख में खरीद लिया, 3. इतना लाख में खरीद लिया है। टाटा पावर सोच है, टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स भी खरीद लिया है, टाटा कंज्यूमर से जो प्रोडक्ट्स है इसको भी इन्होंने खरीद लिया है, मतलब हर चीज को खरीदा जा रहा है, इसका जो बेनिफिट मिल रहा है 60% दाम में दे रहे हैं। देखिए अब इसका उत्तराधिकार के लिए भी बहुत सारा ऐसा प्रश्न उठता है कि ये तो शादीशुदा नहीं है, इसकी एक प्रेम कहानी थी, वो भी इसके दादी और भारत सिंह युद्ध के वजह से इसका शादी भी टूट गया और यह परिवार आगे नहीं बढ़ा पाया तो क्या होगा। इसका जो भाई है जिम्मी, इसका भाई क्या है जिम्मी, तो जिम्मी को होना चाहिए कि किसको होना चाहिए, देखिए इसका इसको होना चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट देखिए आपका जो है अगला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, इसके जो आपका नोएल टाटा, इसके जो सौतेला भाई है इसको होना चाहिए, नो इसको होना चाहिए, अभी तक तो नहीं बोला गया है। और इसके जो है देखिए आपका माया टाटा है, नेविल टाटा है और लिया टाटा, इसके साथ इसकी कौन, इसका जो संबंध है इन लोगों के साथ भी ठीक ठाक है संबंध, और जिमी के साथ भी तो ठीक ठाक है ये है, लेकिन इन सब ने क्या कहा, इस सब ने कहा कि हमको भी कुछ मतलब क्या अधिकार दिया जाए, लेकिन देखिए अभी क्या होता है, अभी तो आएंगे तभी बता सकते हैं, अभी ना अभी तो कुछ बता नहीं सकते कि इसके उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिन में पता चल जाएंगे कि इसके कौन होंगे। अब देखिए टाटा रतन ने जो है फार्म इंस्टीट्यूट सेल्यूलर और द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा जैसी किताबें भी, देखिए ये किताब इसके द्वारा लिखी गई, इसके द्वारा किताबें लिखी गई, द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा जैसी किताब भी इसका, देखिए एक वो किताब है, दो वो किताब भी इसके नाम से चलाया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है किसका वैवाहिक संबंध, नहीं बोले इसका वैवाहिक संबंध, इसका एक प्यार अधूरा प्यार कह सकते हैं, इसको अधूरा प्यार था, अधूरा प्यार है, हुआ नहीं। देखिए जो रतन टाटा शादी नहीं हुई लेकिन इसकी एक प्रेम कहानी भी थी, उसकी एक क्या है, इसकी एक प्रेम कहानी भी है, कब की बात है, जब यह अमेरिका में थे, कहां पर अमेरिका में, अमेरिका में कहां पर थी, अमेरिका में लॉस एंजिल में काम कर रही थी, कहां पर काम कर रहे थे, लॉस एंजिल में, एंजिल में जब नौकरी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे तब एक लड़की से क्या हो जाती है, तब एक लड़की से प्यार हो जाती है, एक लड़की से क्या हो जाती है, प्यार हो जाता है, दोनों ने क्या करते हैं, एक दूसरे से साथ रहने की कसमें खाती है, एक दूसरे को जीवन भर साथ रहेगी और जीने मरने की कसमें खाती है, शादी करने की कसमें खाती है, दोनों की बातें घर तक चली आती है, उसी टाइम क्या होता है, भारत और भारत चीन का युद्ध हो जाता है, भारत चीन का क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, भारत चीन युद्ध 1962 हो जाता है। एक कारण यह है, तो इसके पिताजी क्या बोलते हैं,
कि आपका क्या है भारत चीन युद्ध हो रहा है, तो वहां जाइएगा तो हो सकता है कि कुछ आपको हताहत हो। हम वहां बेटी अपना नहीं दान देंगे ना, हम अपना बेटी भारत नहीं जाने देंगे। दूसरा, उसकी जो दादी थी उसकी दादी की भी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं किए। देखिए यहाँ एक कंपनी में जब वे काम करने के दौरान लॉस एंजिल में प्यार हुआ, लेकिन वो लड़की से शादी करने ही वाले थे, तभी अचानक उसकी उसे वापस भारत आना पड़ा, क्योंकि उसकी दादी की जो थी दादी की तबीयत क्या बिगड़ जाती है। देखिए अगर दादी की तबीयत नहीं बिगड़ती, ये नास की यही थी, दादियां नास थी इसके कपालों में, मतलब शादी का कलंक यही था। अगर ये अक्सर तबीयत ठीक रहता तो रतन जी टाटा का शादी हो जाता, अभी बाल बच्चा हो जाता है ना, इसी की वजह से नहीं होता। लेकिन जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शादी नहीं किए तब ये क्या इतना बड़ा दानवीर बना और बहुतों को हेल्प हुआ। ठीक, तबीयत बिगड़ जाती है तब इसको भारत आना पड़ता है, और लड़की को आने क्यों नहीं दिया, भारत चीन युद्ध के कारण। रतन टाटा को भी लगा कि जिस महिला को वे प्यार करते थे वे भी उसके साथ भारत भी आ जाएगी, लेकिन बादशाह की देखिए भारत चीन ये दोनों की वजह से भारत चीन युद्ध के चलते उसके माता पिता ने लड़की को भारत आने से मना कर दिए, मतलब नहीं आने दिए। क्यों नहीं आने दिए, क्योंकि अगर वहां युद्ध चल रहा है मेरी बेटी चल जाएगी तो इन लोगों को कुछ हताहत हो सकती है, जान मान की हानि हो सकती है, इसलिए कि हम जान बुझ के क्यों आप बेटी को आग में धकेल दे या कुछ कांटों में धकेल दे। नहीं बाबा, मेरी बेटी यहीं रहेगी, आप अगर यहीं रहना चाहते हैं रतन जी तो रहिए, मेरी बेटी से शादी कीजिए, लेकिन आपको अमेरिका में ही रहना पड़ेगा। ये बोलता नहीं, मेरे दादी जो हमको पाल पोस के बड़ी की है, क्योंकि उसका तो डिवोर्स हो गया था 10 साल के जब एज थे, इसके जिमी को और रतन को उसकी दादी ने ही पालन पोस के बड़ा किए थे, तो बोला कि नहीं दादी का तबियत बिगड़ गया, आप रहिए मेरा प्यार रहिए, हम अपने दादी के पास चलते हैं, तब चला है। नहीं तो अगर वहीं रह जाते या दादी का बिगड़ते नहीं है तो तबियत बिगड़ता नहीं तो उसका शादी फिक्स था। अब नेक्स्ट देखिए आपका, ये जो थी उसकी जो लड़की थी इसके साथ क्या इसकी प्रेम कहानी थी जो अभी क्या है अधूरा रह गई है। हाँ देखिए टाटा ने क्या क्या खरीदे हैं, देखिए टाटा का जितना भी है टाटा टी जो है आपका टाटा सभी टाटा, देखिए चारों ओर टाटा, घर घर में टाटा, सभी चीज में आपका टाटा ही टाटा नजर आ रहा है। देखिए चाहे आपका क्या हो मसाले हो, चाहे आपका चाय हो, चाहे आपका चाय पत्ती हो, चाहे नमक हो, चाहे आपका कोई गाड़ी हो, चाहे एग्जाम देने के लिए TCS हो, सभी इन्होंने खरीद लिया है। कौन? टाटा ने अभी। और दानवीर भी देखिए इसके इस तरह से आप इसका जो शॉर्ट संक्षिप्त में आप कह सकते हैं इसके कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो आपका जो पुरस्कार है जो एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं, जो आपका एग्जाम की परीक्षा की जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम की जो दृष्टि से आपको आ सकता है दृष्टि से आपका जो एग्जाम में आ सकता है यही सब आपको आ सकता है। इतना में इन्होंने देखिए 61 में क्या किया, इन्होंने टाटा में नौकरी करना शुरू किया। पहले अमेरिका में करते थे लेकिन 61 में जब आ जाते हैं तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से इसकी दो किताबें भी है, इसकी किताब को भी आप याद रख लेना, किताब के बारे में भी बताए। और इस तरह हमारे जो रतन जी है इसका अंतिम जो है हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और ये जो 9 अक्टूबर 2024 को रात 11 बजे कहां पर आपका ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में मुंबई में क्या हो जाते हैं इसकी निधान हो जाते हैं। और हम लोग का ये अंतिम दर्शन देके चल गए, और हम भारत ने एक अनमोल रत्न जो है अमूल्य रत्न टाटा रत्न के रूप में खो दिए हैं, और इसकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।